Hello friends, this is Rahul. Welcome back to CAD's Trailers SolidWorks Tutorial Series. So friends, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मॉडल की, ठीक है? So इस मॉडल को हम किस तरह से बनाएंगे? यहाँ पे हमारे पास इसकी डायमेंशन दे रखी है। देखिए, ये इसका टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू है, ठीक है? सो टॉप व्यू, साइड व्यू और हमने आइसोमेट्रिक व्यू में इसकी डायमेंशन सारी ले रखी है। तो देखिए, हमारे पास टॉप व्यू में इस तरह से डायमेंशन दे रखी है और इस तरह से हमारे पास साइड व्यू में डायमेंशन दे रखी हैं। सो अगर आप देखोगे कि अगर मैं टॉप व्यू से ये चीज बना लू, ये रेक्टेंगल बना के इसको मैं अगर इतना एमएम एक्सट्रूड कर दूं तो ये मेरे पास एक पूरी कंप्लीट बॉडी बन जाएगी। उसके बाद मैं इस प्रोफाइल को कट कर सकता हूँ, इस प्रोफाइल को कट कर सकता हूँ और ये जो स्टेप है मेरे पास, ये जो एक्सट्रूड हुआ पड़ा है, इसको भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। सो सबसे पहले मैं ये रेक्टेंगल ले लेता हूँ। क्या डायमेंशन आ रही है? 70, 16 प्लस 20 इज इक्वल टू 36 प्लस 16 इज इक्वल टू 52। 70 52 का एक रेक्टेंगल हो जाएगा और उसको हम 19 प्लस 26 mm एक्सट्रूड कर लेंगे। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से बनाना है। सो यहां से फ्रंट प्लेन ऑन करेंगे, रेक्टेंगल बना लेंगे। सो मेक श्योर कि आप इसको बिल्कुल सेंटर से बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मिड प्लेन से और सेंटर से बनाने का कितना बेनिफिट है। सो यहां से हमारे पास क्या डायमेंशन आएगी? 52 और यहां से हमारे पास डायमेंशन क्या है? 70। ओके, देन इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। कितना में एक्सट्रूड करेंगे? 19 प्लस 26, ठीक है? सो 19 प्लस 26, ठीक है? ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा और आपको अप्रोप्रिएट रिजल्ट दे देगा जो भी आपको चाहिए, ठीक है? देखो, ये हमारे पास बॉडी है। अब इसमें हम ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट कर सकते हैं, ठीक है? सो टॉप प्लेन पे चले जाएंगे, स्केच करेंगे। अब ये वाली प्रोफाइल बनानी है तो ये वाली प्रोफाइल देखिए, आपके पास डिस्टेंस कितना आ रहा है? 10 एमएम का आ रहा है और यहां से जो सर्कल आ रहा है मेरे पास कितना आ रहा है? 16 का। सो रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ पे, सॉरी कॉर्नर वाला रेक्टेंगल बनाएंगे। इस तरह की प्रोफाइल हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 एमएम। देन यहां से 10 सर्कल आ जाएगा और इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है? 16 है और डाया कितना आ जाएगा? 32 हो जाएगा। सो रेस्ट ऑफ द पार्ट इसको ट्रिम कर देंगे। क्लियर है, ये पार्ट बन जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? एक्सट्रूड कट करेंगे 26 mm। स्केच, एक्सट्रूड कट और हाइट इसकी आ जाएगी 26 mm। क्लियर है, ये चीज हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास इस फेस में ये कट लगाना है हमें, ये जो आ रहा है इसका रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है? 40 का। यहां से डायमेंशन दे रखी है 16 की और यहां से डायमेंशन दे रखी है 10 की। सो इस फेस को नॉर्मल कर लेंगे, स्केच ऑन कर लेंगे। क्लियर है, तो यहां से अगर आपको साइड्स का ना पता चले तो आप इसको इस तरह से रोटेट करके भी यहाँ पे लाइंस क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको साइड्स क्लियर दिखें और आप इजीली उसको फाइंड आउट करके डायमेंशंस ले सकें। सो यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन कितनी आ रही है? 16 और नीचे आ रही है 10। सो इस साइड हमारे पास डायमेंशन आ रही है 16 और इस साइड हमारे पास डायमेंशन आ रही है 10 mm। क्लियर है, इसके बाद हमारे पास ये आर्क आ जाएगी। इन दोनों पॉइंट को लेके 3 पॉइंट आर्क हम ले लेंगे और इस आर्क का जो रेडियस हमारे पास है 40 का है। सो स्मार्ट डायमेंशन आर्क का रेडियस ले लेंगे कितना? 40 mm का।
और यहां से लाइंस ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है। और देन रेस्ट ऑफ द पार्ट इसको ट्रिम कर देंगे। सो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक रीजन आ गया। सो क्लोज कर दीजिए यहां से और इसको हम कट कर देंगे, कितना एमएम, 35 mm से कट कर देंगे ये जो जा रहे हैं। सो एक्सट्रूड कट 35 mm, ओके, क्लियर। ये चीज कंप्लीट हुई। देन इसके बाद हमारे पास ये चीज आएगी। अब ये इसकी प्रोफाइल क्या दे रखी है हमारे पास, देखिए इस प्रोफाइल की डायमेंशन हमारे पास यहां दे रखी है 5 और 17। हाइट तो आपको पता इतनी रहेगी। सो क्या करेंगे यहाँ पे, मिड प्लेन लेंगे। देखिए टॉप प्लेन जो है वो सेंटर पे आ रहा है बिल्कुल। तो अगर आप ओरिजिन से लेकर हर एक चीज बनाएंगे तो बिल्कुल इजी रहेगा, नहीं तो हमारे पास ये जो टॉप प्लेन या जो एग्जिस्टिंग प्लेन है ये बिल्कुल आउट हो जाएंगे, हमें नया प्लेन लेना पड़ेगा। दिक्कत वो भी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप इन प्लेन्स को यूज करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपके पास कोई चांस ना बचे फिर आप नया प्लेन यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी नया प्लेन नहीं लिया, सो सेंटर से बनाया, तो मेरे पास टॉप प्लेन जो है बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। सो यहीं पे हम स्केच क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से इसको डबल रोटेट करेंगे, डबल नॉर्मल करेंगे, तो आपके पास ये प्रोफाइल दोबारा से रोटेट हो जाएगी। सो इस तरह की ये प्रोफाइल बना लेंगे और यहां से हम डायमेंशन ले लेंगे, ये है 5 mm और यहां से है 17। सो ये मेरे पास एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। यहां से इसको एक्सट्रूड करेंगे और देखिए ब्लाइंड एक ही साइड में जा रही है, तो हमें चाहिए मिड प्लेन पे, और जो भी एक्सट्रूड करना है हमें वो कितना चाहिए, 20 mm, जो कि यहाँ पे दे रखा है, क्लियर है। तो इस तरह से ये आपकी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी, क्लियर है। सो यहाँ पे हम एक चीज और करेंगे, इसकी अपीयरेंस चेंज करेंगे। लाइक प्रीवियस मॉडल में हमने इसका कलर चेंज रखा था, सो यहाँ पे भी इसका कलर चेंज करेंगे। किस तरह से कलर चेंज करेंगे ध्यान से देखना, राइट क्लिक, यहाँ पे हमारे पास अपीयरेंस आ रही है, अपीयरेंस में जाके हमने बॉडी को सिलेक्ट करना है, ये पूरी की पूरी बॉडी को हमने कलर चेंज करना है। सो देखिए पूरी बॉडी सिलेक्ट हो रही है और यहाँ से आप इस कलर को चूज कर सकते हैं, ओके कर दीजिए। तो इस तरह से आपके पास ये बॉडी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये ड्राइंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन टच। Okay, thank you so much for watching this video. Thank you so much.